हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल MS ब्यूटी मेकओवर। आई होप आप सभी बढ़िया हो। आज मैं लाई हूँ चोटी जूड़ा बन, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने एक छोटी सी पोनीटेल बना लिया, उसके बाद मैं थोड़े से पार्ट्स को लेके बैक कॉमिंग कर रही हूँ। इस तरीके से आपको भी बैक कॉमिंग कर लेनी है। और मैंने फ्रेंड्स, इनके बाल बहुत हल्के थे तो इसलिए मैंने इनके बालों में क्रम्पिंग किया हुआ है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रम्पिंग करना बताऊँगी किस तरीके से करते हैं, कौन सा क्रम्प यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी बैक कॉमिंग, हल्का सा ही करना है। और फ्रेंड, बैक कॉमिंग करने से हमारे जो हेयर फॉल है, हेयर है हमारे, तो उसमें जितना भी मैं उसको क्या बोलते हैं हाइट देना चाहूँ तो उतना मैं दे सकती हूँ, इसलिए बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग हमेशा थोड़े से नीचे ही करनी है, उससे हमारे बाल हैं जो होल्ड हो जाते हैं। और उसके लिए मुझे एक स्प्रे, जिससे हमारी स्किन में एक साइन भी आए और एक लुक भी अच्छा लगे, जो मैं बना रही हूँ उस वो बन भी दिखे, तो इसलिए हेयर स्प्रे का बहुत ज़रूरी है, जो हमारे हेयर सेट हो जाएँ तो जल्दी खुलेंगे नहीं। तो इस तरीके से मैं फिंगर की हेल्प से एक वो बना रही हूँ, लाइन क्रिएट कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये बन आप इंगेजमेंट एंड वेडिंग वगैरह किसी में भी बना सकते हो ये, और बहुत ही सरल तरीके से है ये हमारा बन लुक। तो ये देखिए, मैंने बन बना लिया था, इसमें हल्की हल्की सी मैंने लाइन क्रिएट कर दी है। अब मैं कर रही हूँ स्प्रे, तो सेटिंग स्प्रे है ये फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। अब मैं फिंगर से इसको फिनिश कर रही हूँ, इस प्रकार से आपको भी कर लेना है। इनके बाल बहुत ही हल्के थे फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा ये चोटी जूड़ा स्टाइल अच्छा लग रहा था। तो इस प्रकार से मैंने, देखिए, चोटी एक बना लेनी है मुझे, और जब मैं चोटी एक बना लूँगी, इस प्रकार से आपको छोटी छोटी चोटी करनी है। थोड़े से उसको कॉर्ड कर लीजिए और नीचे से हल्का सा पतला सा हेयर को खींचेंगे ऊपर की तरफ, और उसको ऊपर की तरफ पुश करना हेयर को, गुथे हुए हेयर को, तो उससे एक हमारा ये हेयर स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, और ये मैं क्लिप कर रही हूँ इनको। अब मैं थोड़े पार्ट्स को फिर से लूँगी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा गूथ लेंगे और इसमें एक नॉट बनाएंगे, इस प्रकार से आपको नॉट बनाना है फ्रेंड। और जो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी इसी टाइम लाइक करना मत भूलिएगा मेरी, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो में। मैं देख रही हूँ लाइक्स कम आ रहे हैं फ्रेंड, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आपका प्यार बना रहे और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। इस तरीके से देखिए, आपको एक नॉट बनाएंगे, नॉट बनाने के बाद उसको नीचे से हल्के थोड़ी से हेयर को लेके खींच देना है, और उसको ऊपर की तरफ हैंड से पुश करना है, तो इससे एक आपका लुक क्रिएट हो जाएगा। और ये इसको आप जूड़े की तरह नीचे फिल कर दीजिए, मतलब भर दीजिए अच्छे से। तो ये कर दिया है, अब मैं ये लास्ट बना रही हूँ, इस तरीके से आपको मैं अब दिखाऊँगी। ये बना लिया है और इसको मैं थोड़ा सा फैला लो रही हूँ, तो ताकि हमारा ये जो है, ये देखिए, थोड़े से पार्ट्स को लेके मैंने ऊपर की तरफ से फिंगर से पुश कर दिया है, और मैं इस जूड़े में इनको फिल कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी जल्दी आपका हेयर डू पीछे का तैयार हो गया है, और बहुत ही कम समय में रेडी हो जाता है ये हेयर डू, और बहुत सुंदर लगता है। तो आप बिगनर हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा लुक। अब मैं आगे से हेयर लुक बना रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बैक कॉमिंग की है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बैक कॉमिंग आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, और फिर स्प्रे कर दीजिए, तो जहाँ पे भी मेरा बैक कॉमिंग जितनी हो रखी है तो उतने पे ही हमारा हेयर है जो होल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हैंड की हेल्प से मैं ये कर लिया है, एक रोल टाइप का मैंने बनाया हुआ है, तो ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था, और पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है। अब मैं इस तरफ के पार्ट्स को भी करूँगी और सिक्योर करूँगी, तो ये लुक बहुत सुंदर दिखेगा फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर इनका हेयर डू दिख रहा था। फाइनली हेयर डू आप देखेंगे, और आप लोगों का प्यार रहेगा फ्रेंड्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को।
ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और ये मैं थोड़ा सा छोटा सा रोज़ बना दे रही हूँ, तो ये हेयर डो बहुत सुंदर लग रहा था इनका। ये देखिए इस तरीके से एक मैंने रोज़ बना के अब उसे यू पिन से सिक्योर कर रही हूँ। ये देखिए यू पिन एंड बॉबी पिन से आप सिक्योर कर दीजिए। अब मैंने फ्रंट लुक बना रही हूँ, तो ये थोड़े थोड़े पार्ट्स को मैं लेके उसमें बैक कॉमिंग कर रही हूँ। इससे हमारा जैसा हेयर डू लुक क्रिएट करना चाहे, साइड पार्टीशन मैं दूंगी इनके हेयर डू को, तो इनके ऊपर साइड ही पार्टीशन। और इन्होंने मेकअप भी कराया था, तो फ्रेंड्स इनका मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ था। मैं उसकी वीडियो अब वो शूट नहीं कर पाई थी इस वजह से, तो मैं हेयर की शूट करी थी हुई थी, तो इस वजह से मैं हेयर की आपको अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपका प्यार एंड मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आपको नई नई चीज़ें मेरे मिलेगी, तो वीडियो को देखिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े पार्ट्स को मैंने लेके इनका एक देखिए आगे से फ्रंट लुक बना दिया है, और बहुत ही सुंदर हेयर डू लग रहा था इनका। इस तरीके से हैंड से पुश पुश हल्का करेंगे और स्प्रे कर देंगे, तो ये लुक इनका सेट हो गया है। और एंड बॉबी पिन से सिक्योर कर देंगे हेयर को, और बाकी के हेयर को रोज़ टाइप का हैंड से फिंगर से बना देंगे और उसको भी सिक्योर कर देंगे पीछे के जुड़े में। तो ये लुक ओवरऑल तैयार हो गया है फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए फाइनल लुक फ्रेंड्स बहुत सुंदर है। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। बाय।